बसमान मेरा बड़ा अच्छा काम लगाते हैं ये लोग ना कि सिर्फ शुक्रिया शुक्रिया कहना होता है बस आई टू गिव वोट ऑफ थैंक्स आई गिविंग माई थैंक्स टू प्रोफेसर नौशाद शेख साहब रेजिडेंट पीएमसी सर आपने सारी बातें जो पीएमसी पीएमडीसी वाली भी कर दी हमारी डायबिटीज की भी कर दी अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ इन पाकिस्तान वी हैव 33 मिलियन पीपल विद डायबिटीज दिस इज द लेटेस्ट एटलस फिगर्स और बात हो रही है रिसर्च ही तो वी डिड दिस सर्वे विद द कोलेब्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पी एच आर सी टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन अक्रॉस द कंट्री और उसके फिगर्स थे जो 26 परसेंट डायबिटीज़ आई उसी पे और ऐड कर लें तो 14 परसेंट प्री डायबिटीज, बॉर्डर पर हैं लोग डायबिटीज और उसी के अंदर और ऐड कर लें जो जाहिद मिया ने बताया कि 10 परसेंट लोगों को सरफोटलर होता है उनमें से 10 परसेंट को एम्पोटेशन होती है इस वक्त एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीब हर साल चार लाख लोगों की टांगें कट रही हैं फोर हंड्रेड थाउजेंड पीपल ंग देर लिम्स आई दे आर है कर रहे हैं अब डॉक्टर जाहिद को हमने डायबिटिक फूड का चैंपियन बनाया अल्लाई ने बनाया तो हमने भी इनको मिल मिला के धक्का दे के ऊपर तक पहुंचा लिया राइट नाउ रिप्रेजेंटिंग डी फूड इंटरनेशनल ग्लोबली एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ डी फुट इंटरनेशनल और हमने ये कहा और ये आइडिया भी इंटरनेशनल वर्ड से आए थे उस आइडिया वाई टू हैव अल्सर इन द फर्स्ट प्लेस वाई कैन नॉट वी स्टॉप डिवेलपिंग द फुट अल्सर और उसके लिए सिर्फ एक काम करना होता है सर नाइन आप सर्जन है माशा नाइनटी परसेंट ऑफ द फुट अल्सर आर प्रिवेंटेबल इफ़ यू हैव अ प्रॉपर फुटवेयर तो हमने जूते बनाने शुरू कर दिए सर वी स्टार्टेड ट्रेनिंग फुटवेयर टेक्नीशियंस And these people, like Catherine and William and others, we are very grateful. They are coming from their countries. They are pioneers of this podiatry or chiropody in the past. We used to call it footwear, say foot ulcer trimming, etc. Prevent the ulcer from expanding and extending, and prevent amputations. So, hum, we are advised pioneers to be uh, educating diabetic foot, as Zahid told. Establishing 118 clinics, sir. data is published. When we started 26 years ago, we reduced our amputation rate by 75 percent. But we said this is not what we are here for. We are here for the country. We established these 118 clinics. Now it's, it was 115 first. Again, published data. We reduced the amputation rate in those 115 clinics by 50 percent. हमारा कहना ये इसको रेप्लिकेट करना है पूरे कंट्री में अभी जाहिद पेपर लिख रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं हो पाया जब से तीन सालों से वी वे वे गिविंग फुटवेयर द अल्सर रेट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस हैव है जीरो परसेंट कोई अल्सर डेवलप नहीं हो रहा जिनको फुटवेयर दिया जा रहा है द ओनली पीपल हु आर गेटिंग अल्सर्स आर दोज हैड एम्प्यूटेशन इन द पास्ट एंड दे आर गिविंग स्पेशल फुटवेयर उनके अंदर एम्पोटेशन रेट ट्वेंटी सिक्स परसेंट आ, आ रहा है विच इज़ मच लोअर और कम्पेरेबल विद इवन द दे डेवलप्ड वर्ल्ड तो सर आपका शुक्रिया आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सर आपको हमसे ज़्यादा पता होगा जब हम डॉक्टर बन रहे थे एजाज बोरा साहब हैं यहाँ हमारे सामने सर पहले आता था कि जिसको सिफलिस आ गई उसको मेडिसन आ गई फिर आया था जिसको ट्यूबोक्लोस आ गई उसको मेडिसन आ गई सर ये कहने की जसारत कर रहा हूँ आई मे बी रॉन्ग कम्प्लीटली टुडे एनी बडी हु टू नो मेडिसन और टू नो डायबिटीज सर व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग इज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करिकुलम में रेवोल्यूशनरी चेंज करनी है प्लीज अभी भी वही डायबिटीज के बारे में एक आध चैप्टर है या कुछ पेजेस हैं सर ना एग्ज़ाम में ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा है ना रिसर्चेज में एड्रेस किया जा रहा है ना आई रिक्वेस्ट यू एंड थ्रू यू ऑल्सो थ्रू पी एंड द हायर आर की टू प्लेस टेक डायबिटीज ऑन बोर्ड इसी के साथ नेडैप का जो सदर साहब बैठे हैं नेडेप के आपने भी कहा आप भी सदर हैं सैफ भी सदर हैं हम तो सर सदरों की खिदमत में ही गुजर गए पूरे सो वॉट वी आर सेइंग दैट डायबिटीज एजुकेशन वी आर द पायनियर्स टू गिव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायबिटीज एजुकेशन इन पाकिस्तान मैन आई फर्स्ट सेट दिस कैन यू सर बिलीव मी दैट डॉक्टर्स वर वेइंगट इज डायबिटीज एजुकेशन इज इट फॉर डॉक्टर्स

और हमारे वाइस चांसलर साहब मरहूम जनरल अजहर साहब और चांसलर साहब को तो आप जानते होंगे हमारे बकाई साहब दीज वर विजनरी पीपल दे एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट दैट वी शैल हैव डायबिटीज एजुकेशन एज अ करिकुलम एज अ डिप्लोमा सर अगेन अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टक एट अ प्लेस कहाँ देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी फॉर डायबिटीज एजुकेटर्स नो रेगुलेटरी बॉडी फॉर द वी ट्रेन फॉर द फूड केयर असिस्टेंस वी ट्रेन फॉर द मेडिकल टेक्नोलॉजिट वी ट्रेन फॉर डायबिटीज अब सर यूनिवर्सिटी ने एक और हमारे जिम्मे काम लगाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑफ द यूनिवर्सिटी उनका भी साथ साथ शुक्रिया कर दें इफार साहब का इसरार साहब का एंड अदर्स कि सर अकैडमिक काउंसिल ने हमें इजाज़त दी वी शेल हैव डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सी डीज सर हमारा कहना ये वी नीड प्रिवेंटिबिटीज मैनेजर्स पब्लिक के अंदर कम्युनिटी के अंदर कॉपरेट सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स वी ऑफ डायबिटीज सर इसके लिए इनशाला आपके पास भी हाजिर होंगे ए टी सी के अंदर भी हाजिर होंगे टू हैव दिस डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटेड इनशाला साल से हो रहा है बट टू एस्किलेट और हमारा चाहना ये होगा सारे प्रोवेंसेज के अंदर जैसे आपने फ़र्माया आइडियली पब्लिक सेक्टर एंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर शेल टेक द लीड एंड स्टार्ट डिवेलपिंग प्रिंटिव मैनेजर्स अक्रॉस द कंट्री सर मैं इमरान बरवर साहब का ही मशहूर हूँ हमारी पहली मुलाकात हुई है सर आपने बड़ा अच्छा मुझे बता दिया कि आप गवर्नेंस के आदमी सर ये गवर्नेस का जरा सियासी लफ्ज़ है मैं उसको सियासत में इस्तेमाल नहीं करना चाहता बट इन डायबिटीज यस वी नीड गवर्नेंस वी नीड ऑल द मिनिस्ट्रीज टू गेट इन्वॉल्व मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ़ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्यों ने मैंने स्वीएन भी दिया क्यों सर ये तो तीन करोड़ तीस लाख की आबादी का मसला है ये तो वन सिक्स ऑफ द पॉपुलेशन है सर इसके अंदर हमें रिसर्च चाहिए जैसे आपने भी कहा सर ने भी कहा अप्लाइड रिसर्च चाहिए मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आज से बारह साल पहले हमें सर ट्रांसलेशनल रिसर्च चाहिए ये तो पता है कि लेजर से रेटिनोपैथी ट्रीट हो जाती है पाकिस्तान में कितने रेटिनोपैथी है और कितनों को लेजर मिल रहा है ये ट्रांसलेशन रिसर्च नहीं है लोग साइलोज में रिसर्च कर रहे हैं मैं इस वक्त एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हमारे एजाज वोरा साहब हमारे बोर्ड मेंबर हैं फॉर द लास्ट टेन इयर्स हमारे अब्दुल गफ्फार बिल्लू साहब हैं वो भी ऐसे ही लिजेंट हैं माशालाट्रन हैं प्रोफेसर पिडिया सर हमने हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड बनाया है

एंड सर यूल प्लीज टू नो डेट पकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द पाइन ईयर्स इन कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन एंड अगेन हैड्स ऑफ टू दायर आर्की हु और डिसाइडेड दिस गुड ट्वेंटी फाइव ईयर्स अगो जब हमें कम्युनिटी ओरिएटेड मेडिकल एजुकेशन का ही नहीं पता था कि क्या होती है सर मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आई लाइक टू थैंक माई इंटरनेशनल डेलीगेट्स कैथरीन विलियम एंड अदर्स सम विल ज्वाइनिंग वर्चुअली यू हैव कम ऑल द वे एंड हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस इन आर एंडिवर्स वी आर वेरी होपफुल दैट विद द फुलनेस ऑफ टाइम वी इनशाला विल बी कम्पेरेबल एट लीस्ट विद द फूड सर्विसज लाइक इन लेबन लाइक इन साउथ अफ्रीका एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैम फेथ इन योर सपोर्ट एंड फर्म फेथ इन माई फूड टीम दैट इनशा वील बी एबल टू अचीव दैट सून आई ऑल्सो लाइक टू थैंक माई नेशनल डेलीगेट्स दूर दूर से लोग आते हैं हमारे एक कहने पर आ जाते हैं कभी कभी तो हम इतनी एम्बेरसमेंट होती है क्योंकि जैसे मुल्क के हालात हैं एंड जो इशूज़ चल रहे हैं कि लोगों को आना मुश्किल होता है दे हैव टू गिव वन और टू और थ्री डेज बट ऑल द वे आते हैं बार बार आते हैं हमारे जमाल जफ़र साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ पूरे एडवाइजरी बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ कि ये लोग सर बार बार आते हैं सर एक आपको सुनकर ख़ुशी होगी पाकिस्तान में हमने कॉन्सेप्ट दिया मिनिस्ट्री में फ्लोट कराए इट्स नॉट येट प्रैक्टिकल every Wednesday 9 a.m. Every Wednesday 9 a.m. The whole foot board is sitting there, connected virtually to whole of Pakistan. जहाँ कहीं diabetic food का मुश्किल case आए, उस board के सामने present कर दें. 9 से 10 बजे के दरमियान में you can connect through Skype, through WhatsApp, etc. मैंने ministry में जाके ja requested and now through you I request. सर इसको इस्लामाबाद ले जाएं इस्लामाबाद में एन आई एच में या किसी पोर्टल पे ये नेशन वाइड डायबिटिक फुट क्लिनिक होगी एक घंटे की सर एम्पुटेशन रेट इससे पूरे मुल्क का गिर जाएगा चार लाख टांगे जो कट रही हैं सर आप यकीन माने एक साल में फिफ्टी परसेंट रिडक्शन करेंगे और हम आएंगे इस्लामाबाद बार बार आएंगे एवरी वेडनेसडे विल बी देयर सिटिंग ऑन द बोर्ड इन इस्लामाबाद टू गाइड पीपल नेशनली हाउ टू सेव पीपल फ्रॉम एम्पुटेशन इधर ही मुझे शुक्रिया करना है आवर लेजेंड्स ऑफ़ मेडिसन का सर आप लोगों ने हमारा रिक्वेस्ट माना हमारा तोहफा छोटा सा कबूल किया नजराना कबूल किया जैसे सैफ ने कहा एहसान तो हम नहीं उतार सकते आपका आप लोगों ने जितनी एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज़ करी हैं मैं सर जब आया था पाकिस्तान में 26 साल पहले तो वैसे तो मैडम फातमा जवाद अभी भी यंग हैं और किसी खातून को भी ओल्ड कहने में बहुत एहतियात करनी चाहिए एक पेशेंट को मैंने कह दिया मैडम आपको कैटरेक्ट है आप आ, अम्मा जान ज़रा ऑपरेशन करा लें जल्दी तो अम्मा जान मुझ पर नाराज़ हो गई क्लिनिक की सारा मज़ा ख़राब कर दिया सो आई देन हैव है नॉट टू से एनी लेडी एज़ ओल्ड बट फातमा जवाद उस ज़माने में यंग थी जे पी एम ई की एडिटर थी प्रोफेसर लेट अब्दुलसम शेरा साहब की राइट हैंड थी और माशाला इनके डायबिटीज़ में पाइनियरिंग वर्क है ताहिर हुसैन साहब ने शेरा साहब के साथ आज से तीस साल पहले काम किया है एजाज वोरा साहब की खूबी है सर ये बूढ़े होते ही नहीं नेवर गोज़ ओल्ड छब्बीस साल से तो मैं देख रहा हूँ इसी तरह मैं बूढ़ा होता चला गया मगर सर इज़ ऑलवेज यंग हमारे जमाल जफ़र साहब हैं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर कि आप लोग आए हमें इज्ज़त बख्शी और हमारा तोहफा छोटा सा कबूल किया कॉपरेट सेक्टर का मशहूर हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस वो आर हेयर फाइनली फाइनली दो और सर गुजारिशें करूँ रिसर्च की बात हो रही है सर पाकिस्तान में डिजीज़ रजिस्ट्रीज बनवानी चाहिए हमने डायबिटीज़ रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बनाने का बेड़ा उठा लिया इसका क्रेडिट प्रोफेसर अशर फवाद को जाता है पंद्रह साल से टाइप वन की शुरू करी थी फिर पूरे ड्रॉप उसका नाम रख दिया टाइप टू टाइप वन फुट वगैरह मिलाकर। सर अभी लेटली दो दिन पहले की खबर है एनआईएच के अंदर प्रोफेसर आमिर इकराम साहब ने कंफर्म कर दिया कि दिस रजिस्ट्री विल नाउ बी टेकन ऑन बोर्ड एट एन आई एच इस्लाम फ्राम द गवर्नमेंट पोर्टल डायबिटीज़ रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो डायबिटीज़ रजिस्ट्री में डेटा डालते हैं और फ़ाइनल बात मैं ये कहूँगा कि जैसे आप लोगों ने कहा कम्यूनिटी सर्विसज अगर और यूनिवर्सिटी तो मज़ा नहीं है तो सर हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केयर के लिए नेशनल क्लिनिकल नेटवर्क प्रोपोज किया है हैविंग 3,000 clinics at the primary care level, 300 clinics at secondary care level, and 30 clinics at tertiary care level. और जो सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव में हमारी सपोर्ट की है वो मैडम अज़रा पेटियो ने की है हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड सेंथ उन्होंने हमारे साथ एम ओ यू साइन करवाया है और हम पी पी एच -हाँ आई के साथ भी एम ओ यू साइन कर चुके हैं और हमारा कहना ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस द कंट्री उसकी सर गाइडलाइन और एस ओ पीज बना के चारों सूबों की प्रोविंशल मिनिस्ट्रीज को भेज दी इन शाह बहुत जल्दी इसमें पेशर रफ्त हो जाएगी इसमें सर एक आखिरी बात यह कि डायबिटीज के, के मरीज पुअर होते हैं गरीब बदीन के अंदर थर पारकर के अंदर नदर नगर पार्कर के अंदर सर पहाड़ों में रहने वाले हाउ कैन दे हैव एक्सेस टू डायबिटीज केयर सो वी हैव टू मेक डायबिटीज केयर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल उसके लिए अफोर्डेबिलिटी के लिए सर हम सिंध के अंदर प्रोफेसर याकूब उस इंसुलिन माई लाइफ के प्रोजेक्ट को चला रहे हैं 14 साल से सर 2000 हज़ार नॉन अफोर्डिंग टाइप वन बच्चों को फ्री इंसुलिन दे रहे हैं फ्री ग्लूकोमीटर्स फ्री स्ट्रिप्स और ये शेर जमान हमारे बैठे हैं बलोचिस्तान के हमारा कैंडिडेट है रहमत है हमने सर अब बलोचिस्तान में भी फ्री इंसुलिन शुरू कर दी और चार टाइप वन बच्चों को फ्री इंसुलिन बलोचिस्तान में मिल रही है और अब हम एक लेटली एक प्रोजेक्ट लाएँ चेंजिंग डायबिटीज इन द कंट्री और उसके अंदर हम 3000 बच्चों को सर फ्री इंसुलिन देने जा रहे हैं ऑल दिस बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह एंड थ्रू द कोऑपरेशन एंड कोलेब्रेशन ऑफ हेल्थ प्रोमोशन फाउंडेशन विच इज़ अ फाउंडेशन वी हैव मेड फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज बहुत से हमारे डोनर हज़रा फिलेंट्रोपिस ऑडियंस में बैठे हैं इनका नाम इस वक्त हम टाइम की क्लत की वजह से नहीं ले सकेंगे सर डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को रेवोल्यूशनइज़ करने की ज़रूरत थी और आगे एस्केलेट करने की ज़रूरत थी गुजशत दो सालों से आफ्टर सेट डिमाइस ऑफ प्रोफेसर समर शेरा सर इन्हीं हजरा की बरकत से और इनके कहने पे मुझे डायबिटिक एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एंड आई एम प्लीज टू अनाउंस के डायबिटिक एसोसिएशन में अब जो जुनेद आफ्ताब साहब और कुछ डोनर्स के डोनेशन से सर हम कैटवेट की सर्जरी करने जा रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ नाइन थाउजेंड रुपीज़ इंट्राविटल इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ फोर थाउजेंड रुपीज़ जबकि सर जिसको आप मार्केट कहते हैं आम जबान में वहां ये इंजेक्शन तीस हज़ार चालीस हज़ार और एक लाख में लग रहे हैं तो कम्युनिटी ओरिएंटेड सर्विसेज के अंदर डायबिटिक एसोसिएशन को साथ ले रहे हैं और सर जैसे आपने भी कहा सैफ़ ने शुरू में कहा डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए पूरे पाकिस्तान इस पर मैं डायबिटिक एसोसिएशन को ऑन बोर्ड ला चुका हूँ नेडेब को ऑन बोर्ड ला चुका हूँ प्राइमरी केयर ऑफ़ डायबिटीज़ एसोसिएशन के लोग यहाँ बैठे हैं इनको ऑन बोर्ड ला चुका हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी को ऑन बोर्ड ला चुका हूँ सर सिर्फ़ अब ज़रूरत है हायर आर्की की आप हजरात जो इस्लाम में हैं हायर एजुकेशन कमीशन पी एम सी की सर वॉइस है आपकी से है और आपके अल्लाह ने पावर्स दिए हैं सर उनको इस्तेमाल करके पूरे नेशनल लेवल पे डायबिटीज़ प्रिवेंशन की कम्पेन चलवा दें वरना सर जैसे आपने ख़ुद बताया आईडीएफ कह रहा है आगे जाके ये नंबर्स डबल हो जाएंगे सर आई लाइक टू अगेन थैंक ऑल ऑफ यू जितने लोग आए अगर किसी का मैं शुक्रिया नाम लेके नहीं कर सका तो आई एम वेरी हम्बली रिक्वेस्ट कि भाई आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं सबके नाम नहीं ले सकूंगा मगर मैं मशकूर हूँ सबका विद द कोर ऑफ ऑफ़ माय हार्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट दखार साहब बैठे हैं यूनिवर्सिटी के इसराज साहब बैठे हैं उस्मानी साहब बैठे हैं दिल तो चाह रहा है बस मैं सब के नाम ले ले कर शुक्र अदा करता रहा लेकिन मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ आपने हमें हमेशा की तरह रौनक बख्शी आपकी सपोर्ट होती है जो ये इवेंट सक्सेसफुल होते हैं ये नेडेब की इरम ये, ये मेरे पास सर बच्ची आई थी और ये अब माशाल्लाह शी इज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इलेक्शंस फोर्थ कमिंग आईडीएफ कांग्रेस हो रही है दिसंबर में सर ये आईडीएफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही है ये ये सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चों का कमाल है जो दिन रात मेहनत करते हैं और सर मेरा काम क्या होता है शामिल बाजा हमें शेरा साहब कहा करते थे कि अब्दुल वासिद तुम जानते हो शामिल बाजा किसे कहते हैं मैंने कहा नहीं जानता सर आप जानते हैं शामिल बाजा किसे कहते हैं सर ये पुराने ज़माने में बारातें निकलती थी उनमें बैंड बाजे निकला करते थे बैंड चलता था सर वो बैंड बजाते बजाते क्योंकि रात रात भर के काम होते थे वो बेचारे बजाने वाले भी थक जाते थे तो ढीले पड़ जाते थे कुछ की आँखें ही लग जाती थी तो एक बंदा होता है उसके बाद सिर्फ दो बड़ी बड़ी प्लेटें होती है यूं जोर जोर से मारता है उससे सब जाग जाते हैं बस उसका कोई सुर ताल नहीं होता बीच बीच में मारता है तो सर मैं तो शामिल बाजा हूँ मेरे दोस्त मेरे कोलीग्स मेरे कोलेबरेटर्स नेशनल इंटरनेशनल फैसिलिटेटर्स दे ऑल वर्क डे एंड नाइट